सत्ताईसवां अध्याय। जब ये ठहराया गया कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कितने और बंधुओं को भी यूलियस नाम ऑगस्तुस के पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया, और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नाम थिस्सलुनीके का एक मकेदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया, और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, सलमोने के सामने से होकर त्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे जहां से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज को वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों में मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी, और वो बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। ये तो क्रेते का एक बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब ये जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर न सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके। मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत और हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, डाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं, और था लेकर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। जब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार,
तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि वे जहाज पर ना रहें तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तो पौलुस ने ये कह के सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। और ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। जब बिहान हुआ तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका चौरस किनारा था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले, परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का ये विचार हुआ कि बंधुओं को मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाएं और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले।